और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली डिवोशन में, दिन भर की रोटी कार्यक्रम में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और आज 4 अगस्त 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदे का वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है भजन संहिता 71 और उसके 6 पद के अंदर। भजन संहिता 71 एंड वर्स 6 इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे मां की कोख से तूने ही निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। भजनकार इस बात को कहता है कि प्रभु तूने मुझे संभाला है। हालेलुया। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ने उनको संभाला है। हालेलुया। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा हमारे जीवन में है मेरे प्रिय। और आज की सुबह परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैंने तुम्हें संभाला हुआ है। हालेलुया। ही आप बांधो, दृढ़ हो जाओ, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमको संभाला हुआ है और सारी चीजें उसके वश में हैं। हालेलुया। कोई भी चीज उसके कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकती। वो शिरोमणि परमेश्वर है, वो सबसे ऊपर है, वो परम प्रधान परमेश्वर। हालेलुया। वो महाराजा परमेश्वर है मेरे प्रियो। वी आर होल्डन अप बाय गॉड। हमें होल्ड किया हुआ है, हमें संभाला हुआ है। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में संभाल कर रखती है, वैसे परमेश्वर ने हमें अपने पंखों तले छिपाया हुआ है। हालेलुया। हमारी सुरक्षा बड़ी है, मैं कहूंगा हमारी सुरक्षा सबसे बड़ी है। हालेलुया। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सुरक्षा में हम लोग हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय मेरे प्रियो। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट ऑल गॉड हैज डन फॉर अस, वेयर वी वर एंड टुडे वेयर वी आर। दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, वी शुड रिमेंबर ऑलवेज, वी शुड रिमेंबर इन अवर लाइफ। हमें हमेशा इस बात को समझना है, जैसे भजनकार इस बात को समझ रहा है। और इस बात को भजनकार जो है इस वचन में कह रहा है कि मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे मां की कोख से तूने ही निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। भजनकार समझ रहा है कि मुझको बचपन से लेकर, मेरे जन्म से लेकर अब तक संभालने वाला जो है वो मेरा परमेश्वर है, जिसने मुझे मेरे पूरे जीवन में जो है वो संभाला हुआ है। हालेलुया। मेरे पूरे जीवन में जिसने मुझे शुरू से लेकर अब तक संभाला है वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हम क्या सीखते हैं इस बात से, हम सीखते हैं इस बात को मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ पिछले दिनों में हमारे जन्म से लेकर अब तक जो भलाई की है, जो हमें संभाल कर रखा है, जो आशीष हमें दिए हैं, उसको हमेशा याद रखें। हम कहां पर थे, हम कैसी हालत में थे और आज हम किस पोजीशन पर हैं, आज हम किस मुकाम पर पहुंच गए हैं, आज कैसे परमेश्वर ने हमारे मस्तक को इतना ऊंचा कर दिया है, आज कैसे जातियों के सामने परमेश्वर ने हमें उठाया है, आज कैसे परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को एक आशीष दूसरों के लिए बना दिया है। हालेलुया। आशीष का मूल आज परमेश्वर ने हमको बना दिया है। लेकिन हम कहां थे, उस बात को जब हम सोचेंगे तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु तेरे अनुग्रह से ये हो पाया, प्रभु तूने मुझे, हालेलुया, रचा, तूने मुझे संभाला, तेरे कारण प्रभु आज मैं यहां पर हूं मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा हो राजा। हालेलुया।
हालेलुया प्रभु, तेरा अनुग्रह ही है जिसके कारण ये सब हो पाया। हमें सारी महिमा हमेशा हमारे परमेश्वर को देनी है मेरे प्रियो, हमेशा याद रखना है। और हमारे आत्मिक जीवन में इस बात को देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए हमारे आत्मिक जीवन में इस बात को मेरे प्रियो। हम पापों की दलदल में फंसे हुए थे, हम बुरी आदतों में फंसे हुए थे, हम अश्लील चीजों को देखा करते थे, हम गालियां बका करते थे, गलत संबंधों में रहा करते थे, गलत संगतियों में रहा करते थे, चिंता में रहते थे, संसारिक झूठे गीतों को सुना करते थे, संसारिक झूठे धारावाहिकों को देखा करते थे, बुराई में फंसे हुए थे, संसारिक बातों में फंसे हुए थे, शरीर की अभिलाषाओं में फंसे हुए थे, संसारिक अभिलाषाओं में फंसे हुए थे। कोई आशा नहीं थी, अनंत जीवन नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, हेरा फेरी में लगे हुए थे, धोखा देने में लगे हुए थे, गिराने में लगे हुए थे, कड़वाहट से भरे हुए थे। लेकिन आज कहां है, हालेलुया। देखे जरा इस बात को कि हम सबके जीवन पहले कहां थे, और परमेश्वर ने हमें चट्टान पर बिठा दिया है। आज परमेश्वर ने हमें दलदल से निकालकर चट्टान के ऊपर खड़ा कर दिया है। देखें, हम LIG में थे, आज परमेश्वर ने हमें HIG में पहुंचा दिया है। देखें कि हम कभी साइकिल से जाया करते थे, आज हम एक लग्जरी कार से जाते हैं। देखें परमेश्वर की आशीषों को कि परमेश्वर ने आज कैसे जलपाई के पौधों के समान हमको संतानों की आशीष से भर दिया है, बेटों की आशीष से परमेश्वर ने हमको भर दिया है। देखें इस बात को कि परमेश्वर ने कैसी भलाई हमारे जीवन में की है, हालेलुया। कैसे हमारे शरीर को परमेश्वर ने स्वस्थ रखा है, कैसे परमेश्वर का नूर हमारे चेहरों के ऊपर चमकता है, हालेलुया। जब लोग देखते हैं और कहते हैं, हाँ पास्टर जी, आपका चेहरा स्वर्ग दूत के समान चमक रहा है। कैसा परमेश्वर का नूर जो परमेश्वर ने हमको दिया है, कैसे वचन सुनाने का हियाव परमेश्वर ने हमें दिया है, कैसी सुंदर आवाज परमेश्वर ने हमें दी है, कैसे गिटार, कैसियो, कीबोर्ड, हारमोनियम, कॉन्गो और तरह तरह की चीजों को बजाने का एक गुण प्रभु ने हमें दिया है, कैसे लोगों को सुसमाचार सुनाने की एक बड़ी और अद्भुत सेवा परमेश्वर ने हमें दी है, कैसे परमेश्वर हमें जहाजों में बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहा है, कैसे परमेश्वर देश विदेशों में टेलीविजन के थ्रू हमसे सुसमाचार का प्रचार जो है वो करवा रहा है, कैसे लोग उन गीतों के द्वारा जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा दी हैं आशीषित हो रहे हैं, कैसे परमेश्वर के लोग उन किताबों को पढ़ने के द्वारा जो परमेश्वर के अनुग्रह से लिखी गई है आशीषित हो रहे हैं, कैसे परमेश्वर इस डेली डिवोशन दिन भर की रोटी के द्वारा लोगों को आशीष दे रहा है, कैसे परमेश्वर कार्य कर रहा है। यदि हम देखें शुरू से लेके अब तक, तो ऐसे हजारों अनगिनत कारण होंगे, हमें याद भी नहीं रहते हैं, हालेलुया, हमें याद भी नहीं रहते हैं कि परमेश्वर का कितना महान अनुग्रह है कि परमेश्वर जो है पिछले एक साल से हमारे फायर टीवी, एक साल से ज्यादा हमारे फायर टीवी को हो गया, और परमेश्वर जो है कितना ब्लेस कर रहा है लोगों को इस YouTube के चैनल के द्वारा, कितनी आशीष लोगों को मिल रही है, कितने लोग उन बातों को सीख रहे हैं जिनको उन्होंने आज तक कभी नहीं जाना था, जिनके कारण उनके आत्मिक जीवन में परमेश्वर का ज्ञान जा रहा है और वो नाश होने से बच रहे हैं, हालेलुया। कितने लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल रहा है, पवित्र आत्मा की आग से लोग भर रहे हैं। ये सब कुछ ये परमेश्वर की महान करुणा के कारण हो पाया है मेरे प्रियो, परमेश्वर की महान करुणा के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संभाला हुआ है, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए कि अब हम रोशनी में हैं, हम पवित्रताई में हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं और उस अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी दौड़ को पूरा कर रहे हैं और परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम इस गीत को जानते हैं
जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाला हुआ है, हम इस गीत को जानते हैं जिसमें इस प्रकार से हम गाते हैं, संभाल प्रभु जी जीवन के हर एक पल में, संभाल यीशु जी जीवन के हर एक पल में, अब तक तूने संभाला मुझको आगे भी अगवाई कर, अब तक तूने संभाला मुझको आगे भी अगवाई कर, संभाल प्रभु जी जीवन के हर एक पल में, संभाल यीशु जी जीवन के हर एक पल में, अब तक तूने संभाला मुझको प्रभु आगे भी तू अगुवाई कर। हालेलुया, अगुवाई किए मार्ग पर हमें चलना है, और अगुवाई किया हुआ मार्ग कौन सा है? वचन में दिए गए मार्ग पर हमको चलना है। जब वचन में जो मार्ग हमारे लिए दिया है, जब हम उस पर चलेंगे, हम रोशनी में चलेंगे, और परमेश्वर हमें आज तक उसने संभाल कर रखा है, आगे भी वो हमको संभाल कर रखेगा, और जब हम वचन के अनुसार चलेंगे तो उसकी सारी आशीषों को हम अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। तो यही सवाल आज इस मॉर्निंग डिवोशन में मैं आपको पूछना चाहता हूं कि जैसे आज तक प्रभु ने हमें संभाल कर रखा, हम चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं और गीत गाते हैं कि जैसे तूने संभाला मुझे आगे भी तू मेरी अगुवाई कर, तो कब परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें किस मार्ग पर चलने की जरूरत है? जरूर कमेंट कर आप इस वीडियो के नीचे आंसर दें, कब परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें किस मार्ग पर चलने की जरूरत है। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।